हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईसीटी के अंदर प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होते हैं उसके बारे में, और इंटरनेट से किस तरह से होते हैं, जैसे मेल वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और जो लैंग्वेज के जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इन तीन टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसी के बारे में यह आज की हमारी वीडियो है। तो आप हमारी ये वीडियो अच्छे से देखना और ध्यान से देखना, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। और दोस्तों हमने आईसीटी के बारे में पहले भी तीन वीडियो डाली हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2018 में भी 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो ओल्ड पेपर से रिपीट हुए थे। तो आप ये जो तीन वीडियो, ये वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि आईसीटी में और क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन की कि वो किस तरह से रिपीट हुए हैं। अब देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जून 2012 में आया था, टीसीपी और आईपी किससे रिलेटेड है, ठीक है ये हमें बताना है। तो टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इसे ही हम आईपी कहते हैं। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ से हमें आसानी से पता चल रहा है कि ये किससे रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो और हम देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चन आए हैं प्रोटोकॉल से रिलेटेड। अब ये देखिए दोस्तों POP3 और IMAP ईमेल अकाउंट है, ये हमें बताना कि ये किस तरह के अकाउंट हैं। ये दोनों एक प्रोटोकॉल भी है दोस्तों, ये दोनों की दोनों, ठीक है। जिस ईमेल अकाउंट में ये प्रोटोकॉल होती है तो वो किस तरह का होता है, एक ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए केवल सर्वर से संबंधित होना पड़ता है, यानी कि एक को, इनमें से एक को, एक ईमेल अकाउंट को सर्वर से जुड़ना पड़ता है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर अगर हम देखें तो वन ओनली हैज़ टू कनेक्ट टू द सर्वर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, ठीक है। और यही क्वेश्चन दोबारा फिर रिपीट हुआ है वो आपको हम दिखा रहे हैं। अब देखिए दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर है ये, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, इसमें इन्होंने कहा है कि एक उपसंधि प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों को उसके कंप्यूटर में ईमेल के डाउनलोड के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, POP, यानी कि ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किस तरह की प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, POP का यूज़ किया जाता है। और यही क्वेश्चन हमारा पहले ये आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर हम प्रोटोकॉल को अच्छे से करें तो हम आसानी से सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। अब हम और देखते हैं कि और किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं प्रोटोकॉल से रिलेटेड। अब देखिए सितंबर 2013 के अंदर क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनेट इथिकल प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं नेटिकल, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं कि इनके बारे में मैं आपको एक नोट्स दूंगा, वहां से आप बिल्कुल फ्री में इनके बारे में जान सकते हैं कि नेटिकल क्या होता है, टीसीपी क्या होता है, आईपी क्या होता है, ये सारे प्रोटोकॉल आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम और क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटोकॉल के अलावा और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन अभी तक आए हैं। अब देखिए इन्होंने सबसे पहले ही पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 27 है और ये पेपर है जून 2012 का, इसमें इन्होंने पूछा है कि द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो हम सभी को पता है कि ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, हमें डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने के लिए काम आता है। तो यहाँ से हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब हम और देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चन आए हैं लैंग्वेज से रिलेटेड। अब ये देखिए दोस्तों जून 2012 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें इन्होंने कहा है, क्वेश्चन नंबर 36 है, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट ए प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर प्रोग्राम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं,
ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और इसमें एक तो जैसे इंटरप्रेटर हो गया और दूसरा कंपाइलर हो गया, इन दोनों में से क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ और उस नोट्स में, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि इससे कैसे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, एक कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तित करता है, यानी कि कंपाइलर क्या काम आता है वो हमें बताना है। तो ये क्या करता है दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, ये क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है, मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है और इनके फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। यानी कि जो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके बारे में बेसिक नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से रिपीट हुए हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इंटरनेट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन की, वो किस तरह से रिपीट हुए हैं, ठीक है। इंटरनेट की हमें बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। अब ये देखिए दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2013 में आया था, कि इंटरनेट का सबसे पहले प्रयोग किस लिए किया गया था। तो सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था मिलिट्री पर्पज़ के लिए किया गया था, सैन्य उद्देश्य के लिए किया गया था। तो ये बेसिक जानकारी ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कैसे क्वेश्चन आए हैं वो हम देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, सितंबर 2013 में क्वेश्चन आया था, 25, नेट पर वाणिज्य संदेशों को क्या कहा जाता है, यानी कि कमर्शियल मैसेज ऑन द नेट आर आइडेंटिफाइड। अब देखिए जैसे हम अमेजोन पे कोई ख़रीदारी वगैरह करते हैं तो वहाँ पे जो मैसेज वगैरह आते हैं तो उन्हें हम कमर्शियल मैसेज कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है वेब मर्शियल कहा जाता है, ठीक है। और देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसके अंदर। अब ये देखिए दोस्तों, ये है जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा बाकी के तीन के समान नहीं है, बाकी तीन एड्रेस के समान नहीं है। इसमें देखिए मैक एड्रेस है, हार्डवेयर एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है और आईपी एड्रेस है, ठीक है। और जो अपना आईपी एड्रेस है दोस्तों, ये हम सभी को पता है कि इंटरनेट का एड्रेस होता है, ठीक है, इंटरनेट प्रोवाइडर वगैरह का एड्रेस होता है। तो ये जो है ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन से बिल्कुल अलग है, मैक एड्रेस से अलग है, हार्डवेयर एड्रेस से और फिजिकल एड्रेस से, तीनों से अलग है, ठीक है। और अगला ही क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आईपी एड्रेस की पहचान कीजिए, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस है। तो ये हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है सी है, ये अपना आईपी एड्रेस इस तरह से होता है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और जैसे कि हमें हमें जीमेल के बारे में भी पता होना चाहिए, यानी कि जो एक मेल जो होती है, ईमेल जो होती है, उसे हम किस तरह से लिखते हैं, उसका लिखने का तरीका क्या है, वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हमने पेपर फर्स्ट की 2012 से लेके जुलाई 2018 तक की पीडीएफ बना रखी है, जिसमें टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन अलग कर रखे हैं, यानी कि टीचिंग से आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं 2012 से लेके 18 तक, वो अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, रिसर्च के अलग है, रीजनिंग के अलग है। इस तरह से पेपर फर्स्ट में अपने जितने भी टॉपिक आते हैं उनकी पीडीएफ मैंने अलग अलग बना रखी है, जिनको देख कर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और किन पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। और ये जो पीडीएफ है हमारी हिंदी और इंग्लिश में है, तो अगर कोई ये पीडीएफ लेना चाहे तो वो हमसे ले सकता है। इसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि हमारी इस पीडीएफ से जुलाई 2018 में 18 क्वेश्चन बिल्कुल डिटो कॉपी आए थे, उसकी वीडियो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, इस पीडीएफ की कुछ सामान्य कॉस्ट भी हो सकती है। तो दोस्तों अगर किसी को भी ये पीडीएफ लेनी है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब ये देखिए दोस्तों,
दिसंबर 2015 में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, यानी कि इसका मतलब है कि जिसके अंदर हम तुरंत ही सवाल जवाब कर सके, अपने संदेश है वो किसी को भेज सके और पा सके। तो इसमें देखिए व्हाट्सएप, गूगल टॉक, वाइबर, ये तीनों के तीनों एप्लीकेशन ऐसी है जिसके अंदर हम बहुत ही जल्द अपना जो है संचार कर सकते हैं, ठीक है। और इसी में से एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो ये दोस्तों बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले चलिए मैं आपको ये जो रिपीट हुआ है वो ही दिखा देता हूँ। अब ये देखिए जून 2015 में क्वेश्चन आया है, बातचीत चैटिंग के लिए कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर प्रयुक्त तो होता है। तो इसके अंदर इन्होंने आंसर दिया है गूगल टॉक, ठीक है। तो इसमें से जो आंसर आएगा गूगल टॉक आएगा, क्योंकि गूगल टॉक के अंदर हम कुछ भी बोलते तो वो उसी टाइम हमें आंसर दे देता है, हमारे पास इंटरनेट होना ज़रूरी है तो उसी टाइम वो आंसर दे देता है, ठीक है। इन्होंने कहा है बातचीत यानी कि टॉकिंग से रिलेटेड। तो अब हम और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हैं इसमें। ये देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, दिसंबर 2015 में आया था, ये मेल मर्ज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 बार अभी तक आ चुका है तो अब भी आने की इसकी संभावना है। तो हमें मेल मर्ज के बारे में पता होना चाहिए कि मेल मर्ज क्या होती है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को एमएस वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है, यानी कि एक हमारे पास पत्र है उसे हम बहुत से लोगों को भेजना चाहते हैं, तो वो किसके द्वारा संभव है एमएस वर्ड के अंदर। तो इसका आंसर है मेल मर्ज। तो यहाँ पे मैं आपको मेल मर्ज का थोड़ा जो मतलब है वो समझा देता हूँ। जैसे कि मान के चलते हैं हमारे पास शादी के कार्ड होते हैं, तो शादी के कार्ड के अंदर जो मैटर होता है वो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन हम जिन जिन लोगों को भेज रहे हैं तो उनके ऊपर का जो एड्रेस होता है केवल वो चेंज होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही इसके अंदर होता है कि एक मेल है, एक कॉपी है मेल की, ठीक है, वो हमें 100 लोगों के पास भेजनी है, तो उसके अंदर का मैटर सेम रहना चाहिए और बाहर का मैटर हम चेंज करेंगे, यानी कि उनका जो एड्रेस है वो हमें चेंज करना है सभी का, ठीक है। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है एमएस वर्ड में जाके, तो वहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं और सभी को ये मैसेज भेज सकते हैं एक साथ। तो इसका मतलब ये होता है मेल मर्ज का, ठीक है। और मेल मर्ज से रिलेटेड एक बार फिर दोबारा क्वेश्चन आया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन आया दिसंबर 2015 में, आगे जो क्वेश्चन आया वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कैसे वो घुमा फिरा के चीज़ों को पूछ लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये है जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 41, इसमें कहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में, यानी कि जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी कि एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं, एक समाहित प्रकाशन बनाने हेतु डाटा स्रोत में परिवर्तित सूचना के साथ प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचनाओं के संयोजन के प्रक्रम को जाना जाता है। अगर हम इसे हिंदी में पढ़े तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है पढ़ने में, अब हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच रिगार्ड टू ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टू द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्टेटिक इंफॉर्मेशन इन ए पब्लिकेशन टुगेदर विद वेरिएबल इंफॉर्मेशन इन ए डेटा रिसोर्स टू क्रिएट वन मर्ज्ड पब्लिकेशन इज कॉल्ड, ठीक है दोस्तों। अगर इसे आप समझोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो इसका मतलब वही है कि एक साथ, यानी कि ये देखिए एक समाहित प्रकाशन बनाने हेतु, यानी कि एक साथ लोगों को भेजने के लिए कुछ चीज़ भेजने के लिए और उसके डेटा स्रोत में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। यानी कि अंदर का जो मैटर है वो बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन जिन जिन लोगों के पास हम भेज रहे हैं उनका जो एड्रेस है वो हम चेंज कर देते हैं, तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, तो इसका मतलब होता है मेल मर्ज, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है पहले और किस तरह से घुमा के पूछा, वही आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम और देखते हैं कि इंटरनेट से रिलेटेड और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए नवंबर 2017 में क्वेश्चन आया था 38, निम्नलिखित डोमेनों में किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो व्यापार के लिए कौन सी डोमेन यूज़ की जाती है। तो इन्होंने कहा है कि
ऑप्शन दिए कि .org दिया, .net दिया, .edu दिया, .com, तो इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जैसे व्यापार के बारे में कहा है तो इसमें आएगा .com। .com का मतलब होता है कमर्शियल, जो हमारा बिजनेस होता है कमर्शियल उसके लिए होता है .com। .edu का मतलब होता है एजुकेशन के लिए जो हम करते हैं, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि NCERT.edu, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो एजुकेशन से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, ठीक है। .net का मतलब होता है नेटवर्किंग से रिलेटेड जो वेबसाइट होती है उससे, और .org और .org का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो वेबसाइट होती है उसके लिए होता है, ठीक है। दोस्तों डोमेन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आए थे हमारे पेपर सेकंड में। एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय डोमेन है, यानी कि टॉप लेवल डोमेन, उनमें से हमें अलग करनी थी, बतानी थी, ठीक है। तो इस तरह से वो थोड़ा सा घुमा फिरा के दे सकते हैं कि डोमेन से रिलेटेड कि कौन सी एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है, कौन सी मिलिट्री से रिलेटेड है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, वो हमें छांटनी होगी। तो इस तरह से हम आसानी से आंसर दे सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का, हमें यानी कि बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसका नोट्स दिखा देता हूँ, जितने भी हमने क्वेश्चन किए उससे रिलेटेड, ताकि आप इनको अच्छे से समझ सकें और आगे याद रख सकें। ये देखिए दोस्तों ये नोट्स है अपने, ये सबसे पहला अपना जो नोट्स है लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज से रिलेटेड सारी चीज़ें दी हुई है कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। ये जो नोट्स है आपको हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपाइलर के बारे में बताया हुआ है, असेंबलर के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। और अब ये देखिए दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड आ गया, इसके अंदर जितने भी प्रोटोकॉल होती है जैसे TCP के बारे में इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। IP एड्रेस के बारे में बताया हुआ है, IPv4 के बारे में बताया, इसके बारे में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, IPv4 और IPv6 के अंदर डिफरेंस उन्होंने पूछा हुआ था, ठीक है। और उसके बारे में उसके बाद में जैसे कि HTTP के बारे में बताइए क्या होता है, ये देखिए IMAP ये हमने क्वेश्चन किया था, ये दो हाँ एक बार क्वेश्चन आया था, तो ये ईमेल से रिलेटेड था, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सारी प्रोटोकॉल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, तो ये नोट्स आप ले सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो बुक है ये KVS मदान की बुक है, आप ये बुक ले लीजिए, क्योंकि भविष्य में मैं इस बुक से नोट्स आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इस तरह से नोट्स देना कॉपीराइट एक्ट के अंदर आता है, ये इलीगल काम है, ठीक है। तो आप ये बुक ले लीजिए, कोई ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, 250-300 रुपए की आएगी, तो ये बुक आपका नेट क्लियर करवा सकती है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इस बुक का नाम KVS मादान बुक है, UGC नेट पेपर फर्स्ट के लिए बुक है। आप किसी भी बुक स्टोर पे जाना, आपको ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।